अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कोकनी रोट। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, मैंने 250 ग्राम जो है मैंने लापसी लिया है। लापसी भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको दलिया भी बोलते हैं। तो उसको मैंने लेकर बारीक से इसको पीस लिया है, एकदम फाइन इसका पाउडर बना लिया हुआ है। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम लापसी। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है गुड़, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप के जितना मैंने यहाँ पर लिया है दूध। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर लिया है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं। अब इसको बनाने का मैं तरीका बताऊंगी। तो आप गुड़ की जगह पर जो है शक्कर भी ले सकते हो। शक्कर से जो है थोड़े से हार्ड बनते हैं, और गुड़ से एकदम नरम बनते हैं रोट। तो अभी मैं इसको गुड़ को पहले हम पिघाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये दूध मैं इसमें डाल दूंगी, और दूध जैसे गर्म होता है तब इसमें मैं गुड़ ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, दूध जो है बॉईल होने लगा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी गुड़, और गुड़ को पिघाल लूंगी मैं अच्छे से। देखिए, गुड़ को जो है मैंने पिघाल लिया। आपने क्या करना है, जब भी आप दूध के अंदर गुड़ डालते हो तो गैस जो है फौरन बंद कर देना है आपने। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैंने गुड़ को जो है पिघला लिया है। अब हम रोट बनाने लेंगे। पर देखिए, मैंने 4 अंडे लिए हैं। 4 अंडे को हम अच्छे से अभी फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए, अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये गुड़ जो पिघला कर लिया था मैंने, वो गुड़ इसमें डाल देंगे, और इसको एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे। पर देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम जितना देसी घी। देसी घी 50 ग्राम जितना मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे ये पीसी हुई लापसी। अच्छा, मैंने लापसी ली है। आप लापसी के जगह पे आप रवा भी यूज़ कर सकते हो। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें, नमक डालेंगे और इलायची पाउडर, और इसको अभी 5 मिनट अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। पर देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसको मैं ओवरनाइट के लिए साइड में रख दूंगी। ओवरनाइट मैं इसको साइड में रखने वाली हूँ, फिर कल मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आपने बेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रात भर इसको रख दिया था। अब देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैंने यहाँ पर सांदन की बाटी ली है। अगर आपके पास में सांदन की बाटी नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हो जो आपके ओवन में चले। विदाउट ओवन के भी हम लोगों ने रोड बनाने के लिए बताए हैं, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो विदाउट ओवन कैसे बनाते हैं। बस नीचे आपने एक तपेली बड़ी लेनी, एक डेगची लेनी है, उसके अंदर आपने नमक रख लेना है, उसके ऊपर स्टैंड रख देना है, स्टैंड के ऊपर आपने एक प्लेट रखनी है जिसके अंदर ये मोल्ड आ जाए, आपको जिसमें भी आपको बनाना है वो वाले। आप चाहो तो इसको केक टीन में भी बना सकते हो ये रोट को। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये डाल देंगे सारे में। मैं ऐसी ही भर लूंगी। ओवन को मैंने 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 5 मिनट पहले से। यहाँ पर देखिए, सारे मोल्ड में मैंने इसको भर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे खसखस। ये देखिए, कोकनी रोट ऐसे ही बनते हैं, खसखस लगाएंगे। और वो जो होते हैं ना, जिसको हम मतलब डो के जैसा बनाते हैं, ये तो हमने बैटर जैसा बनाया है ना, और डो के जैसा, केक के बैटर जैसा बनाया है हमने। और जो डो के फॉर्म में आता है ना, वो भी मैंने बताया है, दम के रोट जिसको बोलते हैं, वो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, वो वाली रेसिपी भी। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये काजू, सॉरी काजू और बादाम जो है ये बारीक सा चॉप किया हुआ, ये मैं डालू ना डालू तो भी चलेगा। वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं डालते, सिर्फ खसखस डालकर बेक कर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पर 12 मिनट के लिए, 12 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने 15 मिनट बेक किया। बेक करने के बाद में इसको निकाल लिया। निकालने के बाद में 5 मिनट के बाद में मैं इसको अभी डीमोल्ड कर रही हूँ। तो आप चाहो तो इसको साइडों से भी निकाल सकते हो इस तरीके से। ये ऑटोमेटिकली देखो, ये है ना, मैं दूसरा वाला दिखा दूँ। ये देखो,
ऑटोमेटिकली ये देखो साइड्स जो है ना अपने छोड़ने लग जाता है। अब इसको निकालेंगे, ये देखिए बहुत ही आराम से आसानी से निकल गया। देखिए तो यहाँ पर देखिए कोकनी रोड जो है बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छे एकदम नरम सॉफ्ट से बने हुए हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से ये कोकनी रोड जो है बनकर, देखिए इसमें जाली कितनी अच्छी आई है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।